हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है आर के जेड। हम आपके लिए लगातार नए नए वीडियोस लेके चलते हैं। ऑडियो बुक में आज हम बात करने वाले हैं, ये कुछ बुक्स हैं जो आपको पढ़नी चाहिए। 8 बेस्ट एक्टिंग बुक्स इन हिंदी, जो 300 रुपये से भी कम में आती हैं। क्यों, आपको बताता हूँ। किसी भी फील्ड में आपको अपना करियर बनाना है तो उसे शुरुआत से समझना है, तो उसके लिए हमें बुक सबसे पहले याद आती हैं, किताबें, क्योंकि इनसे हमें जितना ज्ञान मिलता है वो आपको और कहीं नहीं मिल सकता। ऐसा ही एक्टिंग की दुनिया में है। अगर आपको एक अच्छा एक्टर बनना है तो एक्टिंग की किताबें ज़रूर पढ़नी चाहिए। आज हम इस वीडियो में आपको 8 बेस्ट एक्टिंग बुक्स इन हिंदी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें पढ़कर आप एक्टिंग की दुनिया में आ सकते हैं या खुद को बहुत ही ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं और एक अच्छा एक्टर बन सकते हैं। इसमें से कॉन्स्टेंटिन स्टैनिस्लावस्की की कई किताबें हैं, तो बड़े बड़े एक्टिंग स्कूल में ये पढ़ाई जाती हैं। अगर कोई एक्टर एक्टिंग की किताबें पढ़ता है तो उसे एक्टिंग में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। इसमें से बहुत सारी एक्टिंग की बुक्स बड़े बड़े एक्टर भी पढ़ते हैं और उनको अपनी एक्टिंग में बहुत ही ज़्यादा सफलता भी मिलती है। अगर आप एक्टर बनने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको ये किताबें ज़रूर पढ़नी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक साथ सभी किताबें पढ़ जाओ। आप एक एक्टिंग बुक भी अच्छी तरह से पढ़ लो, उसमें जो लिखा है उसको समझो और फिर उस पर काम कीजिए, प्रैक्टिकल कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको ज़रूर चीज़ें समझ में आएंगी। अब यहाँ पर एक्टर बनने के लिए सबसे बेस्ट किताबें जो हैं उसमें 8 बुक्स हैं। जैसे जो पहली है वो है स्टैनिस्लावस्की की अभिनेता की तैयारी, दूसरी है स्टैनिस्लावस्की की चरित्र की रचना, तीसरी है स्टैनिस्लावस्की की भूमिका की संरचना, चौथी है आप खुद ही बेस्ट हैं, पांचवा है आषाढ़ का एक दिन, छठा है हिंदी कहानी संग्रह, सातवा है कोर्ट मार्शल, आठवा है तुगला। तो दोस्तों, ये 8 बुक्स हैं जिन्हें आप खरीद सकते हैं। एक्टिंग की किताबों में सबसे पहले बारी आती है कॉन्स्टेंटिन स्टैनिस्लावस्की की बुक्स की, जो एक्टिंग सीखने के लिए दुनिया की 3 सबसे बड़ी किताबें हैं। मुझे पता है कि उनका नाम लेना थोड़ा कठिन है, लेकिन उनकी एक्टिंग की किताबें उतनी ही सरल और साफ हैं। उन्होंने एक्टिंग की परिभाषा ही बदल कर रख दी और एक्टिंग की नई टेक्निक को ईजाद किया, जिसे हम आजकल मेथड एक्टिंग के नाम से जानते हैं। इन सभी किताबों को इस दुनिया का हर एक एक्टर पढ़ता है जब वो एक्टिंग सीख रहा होता है, और उसके बाद जब उसे एक्टिंग आ जाती है तो शायद वो अपना एक मेथड निकालता है जिस पर वो काम करता है। तो इसी तरह से आपको भी किताबें पढ़नी है। तो इतना ही नहीं, भारत के सबसे बड़े एक्टिंग इंस्टीट्यूट नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भी आज भी यही किताबें पढ़ाई जाती हैं। जब एक्टर अपनी प्रिपरेशन करता है तो वो इस दौरान इन किताबों को ज़रूर पढ़ता है। और कई बड़े बड़े एक्टर हैं जिन्होंने अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं, लोग उन्हें भी पढ़ते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब, मैं लास्ट में कहता हूँ कि अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, वीडियोज़ में मन लगता है, तो आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको और भी नई नई जानकारियाँ हमारे इस चैनल पर मिलती रहें। क्योंकि आप देखते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, तो हमें अच्छा लगता है और हम नए नए वीडियोस पर काम करते हैं सिर्फ आपके